आज हमने जो चीज़ देखनी है वो है गाइडलाइंस फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है कि हमें जो है कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के लिए, हमें उसका ख्याल रखना होगा। कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइंस फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, कि जब आप जो है इंटर कल्चर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हो, आपकी जो है जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहे हैं कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से, वो कैसे ओवरकम हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपके पास इसमें आ जाती है, नंबर वन हम कहते हैं अवेयरनेस एंड इंसाइट। अवेयरनेस एंड इनसाइट, ठीक है। सिंपली हम कहते हैं कि यू मे नेवर गेट ओवर कल्चरल डिफरेंसेस कंप्लीटली, येट यू कैन वर्क ऑन इट मेकिंग योर कम्युनिकेशन रीजनेबली इफेक्टिव। ठीक है, कि जाहिर सी बात है कि आप जो है किसी भी कल्चर को कम्प्लीटली नहीं सीख सकते, क्योंकि आपका अपना कल्चर होता है। आप अपने कल्चर से तो नहीं निकल सकते कि आप सारा का सारा अपने जो है अपने आप को दूसरे कल्चर के अकॉर्डिंगली ढाल दो। तो आपकी कोशिश क्या होती है कि मैं जो है जो दूसरे कल्चर में जा रहा हूँ, कुछ हद तक काफ़ी हद तक जो है अब टू सम एक्सटेंड आप उस कल्चर को ओवरकम कर लो, आप अपने आप को उसमें जो है डिफरेंसेस को कम कर लो। ठीक है, हम कहते हैं कि जो बंदा जो है इन डिफरेंसेस को प्रॉपर तरीके से ओवरकम कर लेता है, वो क्या करता है कि वो जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में या जो है वहाँ बिजनेस में अच्छा तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सकता है, उसको डिफ़िकल्टीज जो है पेश नहीं आती, क्योंकि वहाँ के जो है वो तरीक़ेकार सीख चुका होता है बोलना क्या होता है, क्या किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना, वो सारे के सारे आपको जो है मालूम हो जाते हैं। जब आपको मालूम हो जाती हैं तो आपके जो है सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपको जो है डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ती। ठीक है, तो इसके लिए पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे कि आपके कल्चर में और जिस जगह पर आप जो है जा रहे हो, जहाँ पर आप जो है बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ के कल्चर्स में क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें जो है डिफरेंट हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एज ए जो है कम्युनिकेटर आपने कौन सी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट देनी होगी, इंपॉर्टेंस देनी होगी, आपको वो चीज़ें लर्न करना होगी। जैसे हमने कहा कि लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि आप जो है एक दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है कि वहाँ की जो है लैंग्वेज को समझो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो कहा कि अवेयरनेस एंड इनसाइट, आप वहाँ की जो है कौन सी चीज़ें जो है प्रायोरिटी में लोग जो है ज़्यादा जिस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप अपने आप को उस चीज़ के बारे में जो है क्या करो, वेल नोन रखो। ठीक है, कि आपके पास उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और आप उस पर इंसाइट करो, फोकस करो कि मैं जो है इन चीज़ों को सीख लूँ। क्योंकि अगर आप जो है क्या कर लेते हो कि इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हो, अपने जो है ये जो डिस्टेंसेज आपके पास जो है कम्युनिकेशन के बेसिस पे आ रहे हैं, ये अगर ख़त्म हो जाएंगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अचीव होंगे और आप जो है अपनी बात दूसरे तक सही तरीके से ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मीनिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो इफ़ यू ट्रांसफर द कम्युनिकेशन मीनिंग्स प्रॉपरली इन अ बेटर वे, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सेकंड चीज़ हम कहते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन skills. ठीक है, कि यू मे नॉट हैव एनफ ऑफ टाइम और इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट अनदर कल्चर, येट यू कैन कम्युनिकेट इन मच बेटर वे इफ यू कैन डिवेलप जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स दैट कैन हेल्प यू कम्युनिकेट वेल विद द पीपल बिलोंगिंग टू एनी कल्चर। ठीक है, दीज स्किल्स आर जनरल टाइप टू एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, पेशेंस, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि आप जो है पहले इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। आप, हमने कहा कि किसी भी कल्चर को आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते, आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप जो पूरा एक पहले कल्चर को सीखो कि यहाँ पे लोग कैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, ओढ़ते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को सीखो और फिर कहीं जाके बिजनेस करो, बल्कि आपके पास इतना तो टाइम हो सकता है, इतना तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वहाँ पे अपने रिस्पेक्ट के जरिए से लोगों को एम्पैथी शो करके, पेशेंस शो करके वहाँ के कल्चर में सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, कि आप जो है क्या कर लेते हो, लड़ से जो पंजाब के लोग हैं वो क्या करते हैं, जब केपीके आते हैं तो वो अपने अंदर जो है पेशेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्यों पेशेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पठान जो है पहले बात को समझते हैं, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनका स्लो होता है, तो वो जो है पेशेंस को शो करते हैं। क्योंकि अगर उन्हें जो है जल्दी वगैरह की तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो है वो लड़ाई और वहाँ तक बात पहुँच जाती है।
ठीक है, तो एज ए कस्टमर वो क्या करते हैं, पेशेंस से काम लेते हैं, प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ते तरीके से डील करते हैं। जब आप जो है वहाँ पे जाते हो, पंजाब साइड पे जाते हो, तो वहाँ पे लोग आपको क्या करते हैं, सिंपैथेटिक तरीके से जो है डील करते हैं। वो आपके साथ जो है रूडली बात नहीं करते, उसको पता है कि जी अगर रूडली बात की तो इनके कल्चर में रूडली बात का मतलब क्या है, डायरेक्ट लड़ाई है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों पर फोकस करना होगा कि किन चीज़ों के ज़रिए से जो है आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, आप उस तरीके से डीलिंग्स कर सकते हो। जैसे हम देख लें हमारे यहाँ जो है जो चतराल के लोग आए होते हैं, ठीक है, कि चतराल के लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने आप में पैथेटिक बनाया होता है, ठीक है, उन्होंने पेशेंस क्रिएट किए होते हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो है पेशावर में मोस्टली जो है बिजनेसेस में जहाँ पे भी हम देख लें वहाँ पे वर्कर्स और अच्छे लेवल्स पे भी सारे चतराली लोगों को जो है जॉब्स मिले हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेशेंस, कि उन्होंने अपने आप को जो है पेशेंस शो किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जी हम एक चीज़ में लैक कर रहे हैं, हमारे इलाके में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे यहाँ के कल्चर के साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं पेशेंस के साथ काम लूँगा। थर्ड चीज़ हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, सिर्फ आपके लिए जो है बोलना काफ़ी नहीं है, रिटन कम्युनिकेशन भी आपकी जो है बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे बैठे हुए हो, ठीक हो गया, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है रिटन चीज़ों पे भी फोकस करना होगा। कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी होंगी कि आप उसको क्या करोगे, इंटरप्रेट भी करोगे, ट्रांसलेट करोगे अपनी लैंग्वेज में। सो आप जो है क्या करोगे कि जब उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो या जो है दूसरे बंदे के साथ एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहे हो, तो आपको जो है क्या करना होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से करनी होगी। जिसका हमने क्या कहा कि अनलेस यू हैव फ्लुएंसी ओवर द लैंग्वेज ऑफ द अदर पार्टी, राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अदरवाइज टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर व्हेन एंड इफ नीडेड। क्लैरिटी शुड बी इन फोकस, अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स, जार्गन्स, इडियम्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, इंस्टेड यूज शॉर्ट एंड प्रिसाइज वर्ड्स, दैट स्टे द पर्पस क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, कि आप जब रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि हेल्प लो ट्रांसलेटर वगैरह से। हम आजकल जो है हमारे पास क्या आसानी, हम जो है गूगल में देते हैं, गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड की हमें समझ नहीं आती, हम गूगल ट्रांसलेटर से पूछ लेते हैं, वो हमें कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप क्या कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो और किसी और कल्चर जो है लैंग्वेज में मैसेज लिखना हो या कोई जो है बात करनी हो, तो आप जो है ट्रांसलेटर के हेल्प ले सकते हैं। आप वहाँ पर स्टेटमेंट लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो जो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा दूसरी लैंग्वेज में, आप वो जो है वहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो। और फिर इसके लिए सिंपल चीज़ क्या है, हमें कहा कि क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। आप टू द पॉइंट बात करो, मेन बातें डिस्कस करो, अगले बंदे को पता चल जाना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे हम जो है बोलने में करते हैं कि जब हमें जो है एक बंदे को पंजाबी नहीं आती, तो वो पंजाबी बंदा जो है उससे कैसे कम्युनिकेट करता है, वो जो है उर्दू के वो अल्फाज यूज़ करता है जिसके जो है जिसके साथ वो कंसर्न होता है। ठीक है, वो उसके साथ गपशप फिर नहीं लगाता कि जी हाल सुनाओ और ये करो वो करो, वो उन चीज़ों को अवॉइड करके डायरेक्टली अपने मेन मकसद की बात करता है। तो मेन मकसद की जब आप बात करोगे तो उसके लिए जो है आप ट्रांसलेटर्स वगैरह का सहारा लो, आपका जो है इंटेंडेड पर्पस अचीव हो सकता है। नंबर फोर्थ हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि एट टाइम्स मीटिंग बिकम इनएविटेबल एंड जस्ट कांट बी अवॉइडेड। ओरल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग बिजनेस रैपोर्ट एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, कि हम जो है ओरल कम्युनिकेशन को क्यों बेस्ट कंसिडर करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जी जब हम फेस टू फेस एक बंदे से बात कर रहे होंगे तो हमें जो है रिस्पांस जल्दी मिलेगा, हमारे जो है क्यूरीज उसी वक्त सॉल्व हो जाएंगे। सो इसीलिए जब हम क्या करते हैं कि जब मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं या कहीं पर हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम जो है ओरल को तो जो है छोड़ ही नहीं सकते। तो ओरल कम्युनिकेशन में भी हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो है बात करनी चाहिए, उस कल्चर के डिफरेंसेस को समझना चाहिए, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिनका मीनिंग जो है वहाँ पर दूसरा हो सकता है उस लैंग्वेज में, हमें इन चीज़ों को एनालाइज करना होगा। ठीक है, हमें जो है अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर आप लिसनिंग आप बेहतर तरीके से करोगे तो आप जो है रिस्पॉन्ड भी वैसे ही करोगे, क्योंकि अक्सर कुछ चीज़ें लैंग्वेजेस में ऐसी होती हैं जो फेमिलियर होती हैं, तो आप उसके ज़रिए से कुछ ना कुछ आइडिया गेन कर सकते हो। ठीक है, और आप जो है अगर उस चीज़ को नहीं देखते तो हम जेस्चर्स और एक्सप्रेशन के ज़रिए से भी देख लेते हैं, यार ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, किस मकसद में बात कर रहा है, किस एस्पेक्ट से बात कर रहा है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को भी साथ साथ में देखना चाहिए कि अगले बंदे के जेस्चर्स क्या हैं। ठीक है, वो किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है, किस तरीके से जो है हैंड यूज़ कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो सैम्पल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ आपने राइटिंग पे फोकस नहीं करना, बल्कि राइटिंग के साथ साथ जब हम जो है फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं तो हमें भी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि कौन सी बात वो बंदा कर रहा है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें जो है ऐसी हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हैं, तो आप उन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम कहते हैं फ्लैक्सीबिलिटी।
फ्लेक्सिबल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बी फ्लेक्सिबल एंड हैव एम्पैथी फॉर अदर पार्टीज. इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ विल एंड डिजायर टू अडैप्ट टू द अदर पार्टी, इवन बेटर इनसाइट इनटू द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस माइट नॉट लीड टू सॉल्यूशन. ठीक है, कि अगर आप जो है कहते हो कि जी अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करते, आप उसके लैंग्वेज और उस चीज़ों को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, आप एम्पैथी नहीं शो करते एक अगले बंदे को, उसके लिए जो है रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं शो करोगे, तो सिर्फ आपका ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि आपने जो है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज को देख लिया, बल्कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज को देखने के बाद आप उस पर काम भी करो, आप उनकी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से और भी करो, उन डिफरेंसेज को जो है एक्सेप्ट करो और उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है चेंज करो. इसलिए कहते हैं कि ट्राइंग being on the lookout for signals that suggest you to change your own communication style or your interpretation and understanding of the communication style of the other person. ठीक है, कि आप जो उसके accordingly फिर अपने जो है communication style को change करो, किस तरीके से आप बात कर रहे थे, अब आप अपने जो है tone और अंदाज को भी जो है change करो, क्योंकि वो जो है दूसरे बंदे को आसानी से समझ नहीं आने वाली. तो जब आपको पता चल गया कि एक बंदे को आपकी जो है बात और तरीक़ेकार, अगर आप जो है let's say quickly बात करते हो, तेज तेज बोलते हो, और आप देखते हो कि अगले बंदे को ये चीज़ समझ नहीं आने वाली, तो आप थोड़ा सा स्लो हो जाओ, अपना पेस चेंज कर लो, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज कर लो. तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, ना कि जैसे आपने अपनी पर्सनालिटी बनाई और बस उसी के साथ अटैच होकर आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो. सिक्स हम कहते हैं पॉजिटिविटी. You should approach intercultural communication with a positive attitude and with an objective of understanding the other side of picture rather than speaking about or safeguarding your own. ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो है हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहो. ठीक है, पॉजिटिव रहने से मुराद हमारा क्या होता है कि आप जो है कल्चरल डिफरेंसेस को देखो, आप उसको जो है एक्सेप्ट करो और अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करो. ठीक है, आप वन साइडेड कम्युनिकेशन पे फोकस मत करो कि बस जो मैं कह रहा हूँ कि बस वही सब कुछ हो, बल्कि आप ये भी देखो कि अगले बंदे की बात क्या है. ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, वो किस तरीके से अपने एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहता है. ठीक है, उसके जो है क्या कल्चर वैल्यूज़ हैं, क्या उसके जो है अपने नॉर्म्स हैं, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो. ठीक है, और वो जो है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या प्रोग्रेस है, क्या चीज़ें उसके कल्चर को फिट होगी. अगर आसान सी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, आप क्या करते हो, देखते हो कि जी फाटा में जो है एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. एक बंदे को कहते हैं, वो कहते हैं कौन सी, आप उसको कहते हो यार वहाँ पे जो है जीन्स वगैरह जो है कोई भी नहीं बेच रहा, हम जाते हैं वहाँ पे जीन्स बेचते हैं. ठीक है, अब आप क्या करते हो, बजाय इसके कि आप कंफर्मेशन कर लो कि वहाँ पे लोग जो है जीन्स वगैरह क्यों नहीं लेते, क्योंकि आप वहाँ पे चले जाते हो, शॉप ओपन कर लेते हो, अगले दिन कोई जो है गिरा देता है. ठीक है, या जो आपके अगेंस्ट लोग आ जाते हैं, जर्गा हो जाता है कि आपने यहाँ पे बिजनेस क्यों स्टार्ट किया. तो ये प्रॉब्लम क्यों आया, इसलिए आया कि वहाँ के आपने जो है कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं किया, वहाँ की जो एक्सेप्टेबिलिटी आपने नहीं देखी कि वहाँ के लोग कौन से प्रोडक्ट देखते हैं, कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन सी चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, कौन सी चीज़ें जो है नापसंद करते हैं. तो आपको क्या करना होगी कि कल्चर वैल्यूज़ और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने ये चीज़ देखनी होगी कि दूसरे किस चीज़ को कैसे देखते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो आपको जो है वन साइडेड पिक्चर नहीं देखनी, आप दोनों एस्पेक्ट से थिंकिंग करोगे और दोनों एस्पेक्ट से इन चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे. जब आप दोनों एस्पेक्ट से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगे, आप जो है इस चीज़ को बेहतर तरीके से ओवरकम कर सकते हो. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इसके अलावा जाती है कि जो हमने कहा कि जी हमारे पास तो गाइडलाइंस थी बेसिक जो हमें जो है फॉलो करनी चाहिए, हमें जो है इन चीज़ों पर ख्याल रखना होगा कि जब आप जो है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो या कल्चरल डिफरेंसेज होंगी तो आप उसको ओवरकम कैसे करोगे. दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि आपको जो है नीड क्यों होती है इंटर कल्चर जो है कम्युनिकेशन की, कि जिसको हम कह सकते हैं कि नीड फॉर इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन करते हो, आप अपने रीजन में नहीं रहते. तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या कहा था, आप क्या करते हो कि दुनिया जो है अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आप कनेक्टेड हो, आप जो है इंडिविजुअल नहीं रह सकते, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आप जो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस जो है सारा का सारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके जो है डिफरेंट कल्चर्स के साथ हैं. अगर आप जो है क्या करोगे कि डिफरेंट कल्चर्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ के जो है एक्सेप्टेबिलिटी को देखोगे, तो तब आप जो है बिज़नेस अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो. जैसे मैंने आपको कहा कि मैकडोनल्ड्स है, वो क्या करता है, इंडिया में जो है गाय के गोश्त के बर्गर नहीं बनाता, पाकिस्तान में उस चीज़ के बनाता है. ठीक है, अमेरिका में जो है वो पिक के बनाता है, पाकिस्तान में वो नहीं बनाता.
तो हर जगह की जो है जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं या इस्लाम रिजन इस्लाम जो रिलीजन की वजह से डिफरेंसेस आते हैं, उन चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड करोगे प्रॉपर तरीके से, तो आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली ग्रो कर सकती है। और फिर आपके जितने भी जो है दुनिया में आप डिफरेंट जगहों पे जब आप बड़ी बड़ी कंपनियां जब इंटरनेशनली जाती हैं, तो वहाँ पे दूसरे कल्चर्स के लोग आपस में काम करते हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि दुबई में आप जाओ तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है पाकिस्तान के भी होंगे, नेपाल के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, इंडिया के भी होंगे, अफगानिस्तान के लोग भी होंगे। तो हर बंदा अपने साथ नए नए कल्चर्स लेकर आता है, नए नए तरीक़ेकार लेकर आता है, ठीक है। तो जब आपके बिजनेस के अंदर डिफरेंट कल्चर्स आते हैं, डिफरेंट जो है लोग अपने जो है वैल्यूज़ वगैरह लेकर आते हैं, तो डिफरेंट आइडियाज़ भी उसके साथ आते हैं, तो आपको उनको बेहतर तरीके से जो है एनालाइज करना पड़ता है और आपको जो है वहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस का पता चल जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हो, अपने बिजनेस के जो है स्कोप को भी वाइड कर सकते हो। उसके अलावा हम कहते हैं कि आप जो है जब मार्केटिंग वगैरह करते हो, तो मार्केटिंग में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, क्योंकि आप जो है प्रोडक्ट जब डिज़ाइन करते हो, आपने देखा होगा कि ओरियो का जो ऐड था वो छोटी बच्ची का, ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी बच्ची को लिया गया है, ठीक है, दूसरे कंट्री में दूसरे कंट्री के बच्ची को लिया गया है जो उस ऐड में शामिल है, ठीक है, वो उसी लैंग्वेज में बनाया गया है थीम एक ही, लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पे उसके साथ साथ जो है उनके जो लोग थे जो उनके अपने एरिया के थे उनको टारगेट किया गया। अगर आप जो है पाकिस्तानी लोग के एड्स को वहाँ पे चलाते तो वो उसको पसंद ना करते कि हमारे अपने लोग कहाँ थे जो आप जो है दूसरे मुल्कों के लोगों को जो है लेकर आ रहे और उनको हमारे एड्स में यूज़ कर रहे। तो जहाँ की जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं उसी के ज़रिए से वो अपने मार्केटिंग जो है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स वगैरह वो करते हैं, जो उसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी आपके पास जो बॉर्डर्स में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक हो गया, गुड्स और सर्विसेज जो आपके पास होती हैं, मूवमेंट्स वगैरह हो जाती है, वो भी थोड़ा सा बैरियर्स उसके कम हो जाते हैं, ठीक है। जब आप जो है एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हो तो आपको उसके वहाँ के नीड्स का भी पता चल सकता है। जब आप जो है प्रोडक्ट की नीड्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो है आपका प्रोडक्ट जो है प्रॉपर तरीके से मूव करना शुरू कर देता है, आप दूसरी जगह पे एक अच्छे प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है, जो मेन टॉपिक है जो हम कह सकते हैं उसको, वो है स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, कि रोल ऑफ स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो रेफर करते हैं जनरलाइज आइडियाज और इमेजेस अबाउट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय अदर्स, कि आप जो है क्या करते हो कि कुछ लोगों के बारे में, कुछ एरिया के चीज़ों के बारे में, या जो है वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में एक शेयर्ड आइडिया थाट्स बनाई जाती है जिसे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे करते हैं, इसको हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। कि किसी के बारे में आपने एक चीज़ फेमस कर दी और हम कहते हैं कि जी ये लोग बस ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। जैसे हमारे अगर हम देखें तो अमेरिका वगैरह में ब्लैक और वाइट का कौन जो है क्या चल रहा है, स्टीरियोटाइप चल रहा है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जी जितने भी जो है ब्लैक्स हैं वो क्या है हमेशा बस जो है वो जो है गुलाम ही हो सकते हैं, वो एक एग्जेक्टिव पोजीशंस वगैरह पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ की सोच है, ठीक है, जो है अब ये स्टीरियोटाइप है कि आप जो है उसके बारे में एक ख्याल बनाया हुआ है, ठीक है, एक सोच बनाई हुई है कि बस ये जो है इसी तरीके से हो सकते हैं, ये कभी बेहतर तरीके से नहीं आ सकते, इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपके जो कम्युनिकेशन हो जाती है वहाँ पे ये जो स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं ये आपके जो है कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर हम कह देते हैं कि जो है फीमेल्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम नहीं कर सकती, फीमेल को जो है घर पे ही रह सकती हैं, वो घर का काम चला सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो एग्जांपल्स देख लें हमारे इस्लाम में भी देख लें, तो हमारे जो है जो सल्लम के दौर में जो है फीमेल्स ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, ठीक हो गया, जंगों में भी जो है सेक्रीफाइसेस किए, तो क्या था कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया था, ठीक है। सो हमारे यहाँ क्या होता है कि बस उनको जो है लिमिटेड किया गया है। तो ये जो है ये स्टीरियोटाइप्स हैं कि आप एक चीज़ के बारे में एक सोच बना लेते हो। जैसे हम कह देते हैं कि जी लेट्स से हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स, ठीक है, कि आपके जो है जो बॉयज़ होते हैं वही सिर्फ जो है स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अगर हम देखें तो गर्ल्स ने भी जो है इतने ज़्यादा चैम्पियनशिप्स जीती हुई हैं, ज़्यादा एथलीट्स की हुई हैं, ठीक है, वो जो है इतने ज़्यादा पोजीशन ले चुकी है। अगर हम देख लें तो हमारे यहाँ जो है डॉक्टर्स देखें, ठीक
ठीक है, तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि जी लड़कियों की पढ़ाई जो है वैसी बेकार है, लेकिन अगर जो है लड़कियों की पढ़ाई बेकार है तो फीमेल डॉक्टर्स की जो आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर कहाँ जाते हैं आप। ठीक है, हमारे यहाँ जो है कहते हैं कि जी फीमेल पैदा होगी तो बस ये जो है सारे के सारा पूरा खानदान जो है शोक मना रहा होता है। अब दीज आर द स्टीरियोटाइप्स कि जी बस लड़का पैदा होता तो वो सहारा बन सकता था, लड़की क्यों पैदा होगी। ये सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि जो है जो एक चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने बनाई होती है, एक दकियानूस सी सोच बनाई होती है कि यार अगर ये इस तरीके से है तो ये अच्छा नहीं हुआ। ठीक हो गया, जैसे जो है लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी ब्लैक का, ठीक हो गया कि जो है फिर वो कहते हैं कि जी ब्लैक जो है स्पोर्ट्स में फिर बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्लैक लोग हैं वो स्पोर्ट्स में बड़े मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ जो कहते हैं कि जी पठान जो है सारे के सारे सादा होते हैं। ठीक है, अब ये एक जो है स्टीरियोटाइप बनाया गया है। ठीक है, कि जो है पठान ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, सिंधी ऐसे होते हैं, ये सारे के सारे आपकी जो है डिफरेंट सोचें हैं जो लोगों ने अपनाई होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। इन सब को हम क्या कहते हैं जो है स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, और इसका जो है आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी सारे के सारे कम्युनिकेशन जो चल रही होती है इन चीज़ों को जो है डिफरेंट तरीके से ये जो है इफेक्ट करती है। सो उसको देखने से पहले अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, मैं जो है वो क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे पोर्शन को।